हेलो दोस्तों, मैं अनिल शर्मा, गवर्नमेंट लेक्चरर, अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके साथ मोल पर चर्चा करने जा रहा हूं और ये चर्चा बहुत ही संक्षिप्त, सारगर्भित और मोल पर सभी संशय डाउट्स को दूर करने वाली होगी। मोल है क्या? ये किसी भी पदार्थ की मात्रा को व्यक्त करता है। एसआई पद्धति में इसका मात्रक MOL, मोल कहा जाता है। इसे परिभाषित करने के लिए तीन आयामों का चयन किया गया है। पहला आयाम है संख्या के आधार पर, इसे हम अभी आपको बताने जा रहे हैं। दूसरा आयाम है भार के आधार पर और तीसरा आयाम है आयतन के आधार पर। तो अब बारी बारी से पहले संख्या के आधार पर मोल को कैसे परिभाषित करेंगे। परिभाषित करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं परिभाषित करते समय एक सामान्य शब्द पदार्थ का चयन करूंगा। यहाँ पदार्थ से तात्पर्य कण, किसी भी परमाणु या अणु या आयन से लिया जा सकता है। जगह जगह आपको उदाहरण बतौर पदार्थ का अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। संख्या के आधार पर किसी भी पदार्थ के एक मोल में उपस्थित कणों की संख्या अवोगाद्रो संख्या कहलाती है। Na इसका प्रतीक होता है, मतलब है अवोगाड्रो नंबर, और इस अवोगाड्रो संख्या का मान निश्चित होता है 6.022 × 10³ और अवोगाड्रो संख्या का यूनिट इकाई कण प्रति मोल होती है। उदाहरण के लिए यदि हम पदार्थ परमाणु लेते हैं तो एक मोल सोडियम परमाणु में परमाणुओं की संख्या सोडियम परमाणुओं की संख्या अवोगाड्रो संख्या के बराबर होती है। यदि मैं पदार्थ अणु लेता हूँ, एक मोल CO2 अणु, तो इसमें उपस्थित CO2 अणुओं की संख्या भी उतनी ही होगी। और यदि मैं पदार्थ के स्थान पर कोई आयनिक यौगिक या कोई सूत्र इकाई, उदाहरण के लिए NaCl का चयन करता हूँ, तो एक मोल NaCl में NaCl की इकाइयों की संख्या भी 6.022 × 10³ के बराबर होगी। कणों की संख्या के आधार पर मोल को निकालने का सूत्र होता है कि यदि आपको कणों की संख्या दी जाए तो उसमें अवोगाड्रो संख्या अर्थात 6.022 × 10³ का डिवाइड कर दें तो आप मोल प्राप्त कर लेंगे। इस सूत्र को हम दूसरे रूप में ऐसे भी निकाल सकते हैं कि यदि आपको कणों की संख्या निकालनी हो और आपके पास मोल हो तो मोल में अवोगाड्रो संख्या का मल्टीप्लाई करके भी आप कणों की संख्या का आकलन कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया पदार्थ हम कण, परमाणु, अणु, आयन कुछ भी ले सकते हैं। मोल को परिभाषित करने के लिए दूसरा आयाम भार यानी द्रव्यमान लिया गया है। तो इसके संदर्भ में मोल मोलर द्रव्यमान कहलाता है। इसकी परिभाषा किसी भी पदार्थ के एक मोल का भार या एक मोल का द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान कहलाता है। यदि इस मोलर द्रव्यमान को हम परमाणु के संदर्भ में ग्राम परमाणु भार, इंग्लिश में ग्राम एटॉमिक वेट, उदाहरण के लिए अगर एक मोल कार्बन है तो इसका मोलर द्रव्यमान कार्बन का परमाणु भार ग्राम में, जिसे ग्राम परमाणु भार कहते हैं, वो होता है 12 ग्राम प्रति मोल। ग्राम प्रति मोल मोलर द्रव्यमान की इकाई होती है। यदि मैं पदार्थ की जगह अणु का चयन करता हूं तो उसे ग्राम अणु भार, इंग्लिश में ग्राम मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं। उदाहरण लिया एक मोल CO2, इसका मोलर द्रव्यमान होगा 44 ग्राम प्रति मोल यानी 44 ग्राम प्रति मोल। यदि मैं पदार्थ के रूप में कोई सूत्र आयनिक यौगिक जैसे NaCl का चयन करता हूं तो इस संदर्भ में मोलर द्रव्यमान ग्राम सूत्र भार यानी ग्राम फॉर्मूला वेट कहलाता है। एक मोल NaCl का मोलर द्रव्यमान 58.5 ग्राम प्रति मोल, जो इसका ग्राम सूत्र भार होता है, उसे मोलर द्रव्यमान कहते हैं। मोलर द्रव्यमान एक जनरल टर्म में परमाणु अणु सूत्र के संदर्भ में इसे ग्राम परमाणु भार, ग्राम अणु भार, ग्राम सूत्र भार के नाम से जाना जाता है। अब अगर किसी भार या द्रव्यमान के तौर पर आपको मोल निकालना है तो उसे निकालने का सरल सूत्र है, जैसा हमने उधर संख्या में बताया वैसा ही पदार्थ का दिया गया भार उसे अंश में रखें और उसमें उसी पदार्थ के मोलर द्रव्यमान का भाग दे दें तो आप मोल की प्राप्ति कर लेंगे। उदाहरण के लिए सरल सा प्रश्न है कि यदि CO2 यहाँ पदार्थ है, इसके 22 ग्राम में उपस्थित मोलों की संख्या निकालनी है तो मोल बराबर दिया गया भार 22 ग्राम बटे 44 ग्राम प्रति मोल, जो इसका मोलर द्रव्यमान होता है, तो इसमें मोलों की संख्या निकलेगी 0.5 मोल। अब तीसरा आयाम मोल को परिभाषित करने के लिए होता है आयतन। एक मोल गैस का आयतन मोलर आयतन कहलाता है, लेकिन यह NTP यानी
नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर किसी भी गैसीय पदार्थ, गैस O2, CO2, N2, NH3, कोई सी भी हो, गैस की प्रकृति से उसके मोलर आयतन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका मोलर आयतन निश्चित ही होता है। तो NTP पर किसी भी गैसीय पदार्थ के एक मोल का आयतन मोलर आयतन कहलाता है, इसका मान निश्चित है। एक मोल गैस का NTP पर आयतन 22.4 लीटर होता है। उदाहरण के लिए यहाँ मैंने दो उदाहरण लिए हैं, एक मोल CO2 गैस का आयतन 22.4 लीटर, और यदि मैं गैस की प्रकृति बदल के N2 गैस भी लेता हूँ तो भी आयतन NTP पर उतना ही होगा, गैस की प्रकृति से यहाँ मोलर आयतन पर फर्क नहीं पड़ने वाला। इसी प्रकार जैसे हमने मोल को निकालने का सूत्र संख्या और द्रव्यमान में निकाला, ऐसे आयतन में भी अगर NTP पर किसी गैस का आयतन लीटर में दिया जाता है तो उसमें मोलर आयतन अर्थात 22.4 लीटर का डिवाइड कर देते हैं तो मोल की प्राप्ति हो जाती है। इससे हम NTP पर किसी गैस का आयतन भी निकाल सकते हैं। अगर आपको मोल पता है तो उस मोल में मोलर आयतन का मल्टीप्लाइड कर देंगे तो NTP पर किसी भी गैस का आयतन आपको लीटर में प्राप्त हो जाएगा। अब हम अगर इन तीनों का सहसंबंध रिलेशन निकालना चाहें तो एक रिलेटिव समरी, एक संबंधित सारांश इस मोल का यही निकलता है कि एक मोल, जैसा कि हमने संख्या, भार, आयतन के आधार पर बताया, तो तीनों को आपस में रिलेटिव करेंगे तो एक सहसंबंध निकलता है। उस सहसंबंध के आधार पर हम कह सकते हैं कि एक मोल यदि गैसीय पदार्थ ले लें, क्योंकि मोलर आयतन की बात भी यहाँ चल रही है, तो एक मोल पदार्थ में उपस्थित कणों की संख्या अवोगाद्रो संख्या के बराबर होगी, और यह कणों की संख्या उसके मोलर द्रव्यमान के बराबर होगी, और यह कणों की संख्या और उसका मोलर द्रव्यमान उस गैसीय पदार्थ के मोलर आयतन अर्थात 22.4 लीटर के बराबर होगा। या मैं आपको ये भी स्पष्ट करना चाहूँगा कि कणों की संख्या और मोलर आयतन यह दोनों ही राशियाँ निश्चित होती हैं, कांस्टेंट होती हैं, स्थिर होती हैं। इसका मान अवोगाड्रो संख्या जो आपको बता चुके हैं, मोलर आयतन 22.4 लीटर जो आपको स्पष्ट किया जा चुका है। मित्रों, आपने अगर हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया हो तो एक बार इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लें, और बेल आइकन पर इसको क्लिक अवश्य करें ताकि हम आपको केमिस्ट्री से संबंधित आगे जो भी वीडियो आपको दिखाना चाहेंगे, बताना चाहेंगे, उसके नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाएं। इसीलिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो चैनल। उदाहरण के लिए ये मैंने आपको रिलेटिव समरी बताया, तो अगर मैं एक मोल O2 गैस का उदाहरण लेता हूँ तो एक मोल O2 गैस, यहाँ पदार्थ गैस लिया गया है, उसमें उपस्थित कणों की संख्या 6.022 × 10³ O2 अणु प्रति मोल, कण प्रति मोल अवोगाड्रो संख्या की इकाई, इन इतने O2 अणु का द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान, क्योंकि ये एक मोल राशि है, मोलर द्रव्यमान O2 के संदर्भ में 32 ग्राम प्रति मोल होता है, और आयतन इस एक मोल O2 गैस का आयतन 22.4 लीटर प्रति मोल होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।